यूट्यूब, ये शब्द आपने हर गली के कोने में सुना होगा। आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनकर लाखों रुपए कमा रहा है, बस एक वीडियो वायरल हुआ नहीं कि आप पूरी दुनिया में फेमस। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई फेमस होने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है और यूट्यूब इन मामलों में अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। और ये तो हमें पता ही है कि कैसे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है और भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर कौन है? चलिए हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 10, ध्रुव राठी। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी की। अगर हम इनकी कमाई की बात करें तो इनकी नेटवर्थ $4 मिलियन है, और वहीं इनकी सालाना कमाई की बात करें तो लगभग 12 करोड़ कमाते हैं। इनके दो चैनल्स हैं, जिसमें से अपने एक चैनल ध्रुव राठी से सालाना लगभग 49 लाख से लेकर 5.8 करोड़ तक कमाते हैं। वहीं अपने दूसरे चैनल ध्रुव राठी व्लॉग से लगभग 9 लाख से लेकर 58 लाख तक कमाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जर्मनी में बेस्ड ये एक इंडियन यूट्यूबर हैं, जो एनवायरनमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जैसी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। इनका दूसरा चैनल ध्रुव राठी व्लॉग्स है, जिस पर ये सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं। वो डॉयचे वेले DW2 के लिए ट्रैवल व्लॉग अपलोड करते हैं और स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट ध्रुव राठी के साथ महाभारत को होस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर यही देखकर आपके होश उड़ गए हैं तो अभी नंबर 5 की कमाई आपको हिला कर रख देगी। नंबर 9, निशा मधुलिका। दोस्तों, निशा मधुलिका $5 मिलियन की नेटवर्थ के साथ वो हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर हैं। बता दें कि इनकी सालाना कमाई लगभग $1.2 मिलियन है। इनके यूट्यूब करियर के बारे में थोड़ा और बताएं तो निशा मधुलिका एक भारतीय शेफ, यूट्यूब पर्सनालिटी और रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हैं। निशा मधुलिका चैनल के 13.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। निशा मधुलिका सबसे अमीर भारतीय यूट्यूबर्स में से एक हैं। वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं और 10 साल से भी ज्यादा समय से अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं। हालांकि इन्होंने अपने खाना पकाने के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई कुक बुक भी पब्लिश की हैं। अपने YouTube चैनल के अलावा निशा की रसोई नाम से एक वेबसाइट भी चलाती हैं। उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हुए उन्हें YouTube की टॉप शेफ कॉफी टेबल बुक में फीचर किया गया था। नंबर 8, हर्ष बेनीवाल। दोस्तों, $2.2 मिलियन टोटल नेटवर्थ के साथ लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं हर्ष बेनीवाल, भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में से एक। उन्होंने 2015 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। उनके चैनल के 15.1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। हर्ष के वीडियो ज्यादातर उसके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर आधारित होते हैं और वो व्लॉग्स भी बनाते हैं, ये चैलेंजेस वीडियोस भी बनाते हैं और डिफरेंट ट्रेंड्स पर रिएक्ट करते हैं। शुरुआत में उन्होंने KPMG में फाइनेंस इंटरनेट के रूप में काम किया, लेकिन बाद में कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट में अपना करियर बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी। 2019 में उन्होंने YouTube इंडिया द्वारा प्रेस्टीजियस एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने कई फिल्मों जैसे करण जौहर की SOTY2 और सीरीज में भी काम किया है। नंबर 7, एमिवे बंटाई। दोस्तों, एमिवे बंटाई $5 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। एमिवे बंटाई एक भारतीय रैपर हैं जो 2013 से एक्टिव हैं। उन्होंने 2013 में अपना पहला एल्बम काला धन जारी करके अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने तब से और भी कई एल्बम्स जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में फॉलोइंग्स हासिल की हैं। अभी कुछ ही सालों में वो पूरे ही इंटरनेट पर छा गए थे, जब उनकी रैपर रफ्तार के साथ एक लड़ाई हुई थी जिसने पूरे इंटरनेट में एक तूफान चला दिया था। एमिवे बंटाई के यूट्यूब चैनल के 18.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके वीडियो को कई बार देखा जा चुका है। अपने म्यूजिक करियर के अलावा एमिवे बंटाई एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और उन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग और मर्चेंडाइज की साइट भी निकाली है। नंबर 6, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दोस्तों, डॉक्टर विवेक बिंद्रा $6.5 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं। हम आपको बता दें कि इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। विवेक बिंद्रा मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं और 25 देशों में फ्यूचर के लीडर्स को ट्रेन करते हैं। उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी वर्ष 2013 में शुरू की, जहां उनका चैनल स्पीचेस एंड मोटिवेशनल कंटेंट से इंस्पायर था।
उनके पास ग्लोबल एक्ट एंड बाड़ा बिजनेस.com नामक एक काउंसलिंग एकेडमी भी है। उन्होंने मारुति सुजुकी द्वारा लगातार 2 वर्ष तक बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, अभी तक उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा भारत में बेस्ट मोटिवेशनल एंड कीनोट स्पीकर के रूप में भी सम्मानित किया गया था। नंबर 5, गौरव चौधरी एज नोन एज टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों, गौरव चौधरी $45 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। हम आपको बता देते हैं कि इनके YouTube पर 22.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और यही नहीं, उनका एक और चैनल भी है जिसका नाम गौरव चौधरी है और वहां उनके 5.18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। गौरव चौधरी भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में से एक हैं। सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं, वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस एंड ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसा कमाते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2015 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और 4 साल के अंदर वे भारत के सबसे पॉपुलर टेक क्रिटिक्स में से एक बन गए। वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाते हैं। यदि आप अच्छी क्वालिटी वाले टेक्निकल रिव्यूज या हाउ टू गाइड की तलाश में हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल देखें। नंबर 4, आशीष चंचलानी। दोस्तों, आशीष चंचलानी $5 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। हम आपको बता दें कि इनके YouTube पर 28.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आशीष चंचलानी, जिन्हें आशु के नाम से भी जाना जाता है, एक यूट्यूबर / यूट्यूब व्लॉगर हैं। पहले वो फिल्म रिव्यू करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वाइंस बनाना शुरू कर दिया। वो 7 जुलाई 2009 को यूट्यूब से जुड़े, लेकिन उन्होंने अपना पहला वीडियो 2014 में पोस्ट किया। 2014 के बाद से आशीष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाकर बड़ी सफलता और पॉपुलैरिटी हासिल की। उनका पहला टीवी शो 2016 में प्यार तूने क्या किया था, जो एक एपिसोड सीरियल है। इसके बाद वो 2017 में एएलटी बालाजी की एक वेब सीरीज में दिखाई दिए थे। फरवरी 2020 में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म आखिरी सफर को यूट्यूब पर रिलीज किया था। नंबर 3, भुवन बाम। दोस्तों, भुवन बाम $4 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। हम आपको बता दें कि इनके यूट्यूब पर 25.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। भुवन बाम भारत के एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं, जिन्होंने 2015 में अपना चैनल शुरू किया था। वो अपने कॉमेडी स्केच के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें अक्सर उन्हें कई किरदार निभाते हुए दिखाया जाता है। ये भारत में हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स में से एक हैं। अपने यूट्यूब करियर के अलावा भुवन बाम ने कई गाने भी रिलीज किए हैं और कुछ फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दिए हैं, जिनमें 2019 का द स्काई इज पिंक और 2020 में हॉस्टेज शामिल है। 2016 में उन्होंने YouTube फैन फेस्ट इंडिया में ट्रेंडिंग YouTube क्रिएटर अवार्ड जीता। भुवन बाम का YouTube चैनल तब से भारत में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 2018 YouTube डायमंड प्ले बटन पुरस्कार और बेस्ट इंटरनेशनल प्रोड्यूसर के लिए 2020 स्ट्रीमी अवार्ड शामिल है। नंबर 2, अमित भड़ाना। दोस्तों, अमित भड़ाना $5.4 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 2रे नंबर पर हैं। हम आपको बता दें कि इनके यूट्यूब पर 24.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अमित भड़ाना एक भारतीय यूट्यूबर हैं, जो कॉमेडी वीडियो पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने 2012 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उनका पहला वीडियो 2014 में अपलोड किया गया था। 2018 में उन्होंने यूट्यूब डायमंड प्ले बटन अवार्ड जीता। 2019 तक उनके चैनल को 2 बिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। भड़ाना का जन्म 7 सितंबर 1994 को भारत के दिल्ली के पास एक गांव में हुआ था। कॉमेडी में करियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। भड़ाना के यूट्यूब चैनल में फन स्केचेस एंड सोशल एक्सपेरिमेंट्स शामिल हैं। उन्होंने दूसरे भारतीय यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाती और आशीष चंचलानी के साथ भी कोलैबोरेट किया है। नंबर 1, कैरी मिनाती। दोस्तों, कैरी मिनाती $4 मिलियन की टोटल नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में 1 नंबर पर आते हैं। हम आपको बता दें कि इनके यूट्यूब चैनल पर 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कैरी मिनाती का असली नाम अजय नागर भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर्स में से एक हैं और सबसे हाईएस्ट पेड इंडियन यूट्यूबर्स में से एक हैं। केवल 3 सालों में ही इन्होंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 2.6 मिलियन व्यूज हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उनके वीडियो कॉमेडी और कॉमेंट्री का मिक्सचर होते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन बुलिंग और ट्रोल्स जैसे इश्यूज को उठाते हैं। वो कंट्रोवर्सी से भी नहीं कतराते, जैसा कि भारत में टिकटॉक बैन पर उनके रीसेंट वीडियो से पता चलता है। सेंसिटिव टॉपिक्स को लेने की इस इच्छा ने उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक बना दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।